पीएम मोदी ने यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों लिए किया वड्डा ऐलान। चार केंद्रीय मंत्री जाणगे यूक्रेन ते करनगे अहम बैठक। विद्यार्थियों नूं सुरक्षा भारत लैके आउण दा उठाया जिम्मा। तुसी देख रहे हो दी टीवी एनआरआई, मैं हाँ जसपाल सिंह संधू। लगातार हमला जिहड़ा जारी है यूक्रेन दे उपर, सो सब तो वध जिहड़े भारतीय नौजवान ते विद्यार्थी उत्थे फसे हुए ने, इंडिया ने भी पहलकदमी जिहड़ी है हुण कर दित्ती गई है। जी हाँ, भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों एक अहम बैठक जिहड़ी है, हाई लैवल मीटिंग जिहड़ी है केंद्रीय मंत्रियों दे नाल कीती जा रही है कि किस तरीके दे नाल यूक्रेन दे विचों भारतीय विद्यार्थियों नूं सुरक्षित कढ़िया जावे। जी हाँ, मैं नाम दस देना चाहवागा जिहड़े इस मीटिंग दे विच शामिल ने। और सब तो वड्डी खबर जिहड़ी सामने आ रही है कि भारत दे चार मंत्री जिहड़े ने, केंद्रीय मंत्री जिहड़े ने, वो यूक्रेन दे गवांढी देश जाणगे, उत्थे जाके बैठक करनगे और सुरक्षित तरीके दे नाल जिन्ने भी यूक्रेन दे विच भारतीय विद्यार्थी फसे हुए ने उन्हां नूं इंडिया लैके आउणगे। तां नाम एक बार दस देना चाहना आ, हरदीप पुरी इस मीटिंग दे विच शामिल ने, वीके सिंह ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल ने और किरण रिजिजू भी शामिल ने। ये चार केंद्रीय मंत्री जिहड़े ने यूक्रेन दे गवांढी देश जाणगे, उत्थे जाके बैठक करनगे किस तरीके दे नाल यूक्रेन दे विचों भारतीय विद्यार्थी जिहड़े फसे हुए ने उन्हां नूं सुरक्षित तौर ते भारत ले जाया जावे। सो लगातार भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों हाई लैवल मीटिंग जिहड़ी चल रही है, सो वड्डे संकट नूं ध्यान दे विच रखदिआं होइआं किस तरीके दे नाल यूक्रेन दे विच भारत दे नौजवान विद्यार्थी फसे हुए ने उन्हां नूं सुरक्षित तरीके दे नाल कढ के भारत लिजाउण दे वास्ते तैयारियां जिहड़ियां शुरू कर दित्तियां गईआं ने। और वड्डी खबर जिहड़ी है कि चार केंद्रीय मंत्री यूक्रेन दे गवांढी देश जाणगे, गलबात करनगे ते सुरक्षित तरीके दे नाल उत्थों जिन्ने भी विद्यार्थी फसे हुए ने उन्हां नूं भारत वापस लैके आउणगे। होर वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दी टीवी एनआरआई दे नाल।